नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु उपाय में। दोस्तों, सभी की कामना होती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे, कभी पैसे की कमी न हो। लेकिन दोस्तों, हर किसी के किस्मत में ये बात नहीं होती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जो आपके घर पर पैसों की बरसात कर देगा। दोस्तों, एक ऐसा पौधा जो माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, कहते हैं इस पौधे की सेवा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पेड़ पौधे कुछ ऐसे हैं जिनसे हम कई चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों में आंकड़े का पौधा भी शामिल है। आंकड़े का पौधा यदि घर के सामने हो तो बहुत लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, आंकड़े का पौधा मुख्य द्वार पर या घर के सामने हो तो बहुत शुभ माना जाता है। इसके फूल सामान्यतः सफ़ेद रंग के होते हैं और ज्योतिष के अनुसार जिस घर के सामने या मुख्य द्वार के समीप आंकड़े का पौधा होता है, उस घर पर कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों, इसके अलावा वहाँ रहने वाले लोगों को तांत्रिक बाधाएं कभी नहीं सताती हैं। आंकड़े को घर के आसपास सकारात्मक और पवित्र वातावरण बनाने के लिए मशहूर है, जो कि हमें सुख समृद्धि और धन प्रदान करता है। दोस्तों, ऐसे लोगों पर जो आंकड़े का पौधा लगाते हैं, उन पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है और जहाँ जहाँ ये लोग कार्य करते हैं वहीं इन्हें अत्यधिक लाभ पहुँचता है और इनके घर हमेशा पैसों से भरा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आंकड़े का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विद्वानों के अनुसार कुछ पुराने आंकड़ों की जड़ में श्री गणेश की प्रतिकृति निर्मित हो जाती है, जो साधक को चमत्कारिक लाभ प्रदान करती है। दोस्तों, अगर आप आंकड़े का पौधा घर पर लगाते हैं तो आपको अचानक धन प्राप्ति और आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होगी तथा साक्षात लक्ष्मी माँ आपके घर पर विराजमान होगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।